अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक हो गया भाई आप सबका एक और ब्रांड न्यू वीडियो में। और आज हम फिर से खेलने वाले हैं ग्रीन हेल। अगर आप पहला एपिसोड इसका नहीं देखा तो आप वो भी जाके देख सकते हैं, चैनल पर अपलोड है। तो ये एक जंगल सर्वाइवल गेम है जिसमें हमें एक जंगल में हम हो चुके हैं इस टाइम पर, मतलब हम अपनी वाइफ के साथ इस गेम के कैरेक्टर की वाइफ के साथ अमेज़न के जंगल में आए थे, जहाँ पर इस टाइम पर हम खो चुके हैं और इसकी वाइफ भी खो चुकी है। तो हमें उसको भी ढूंढना है और खुद भी सर्वाइव करना है। और हमारे पास कुछ भी नहीं है, कुछ भी से मुराद ना हमारे पास कोई गन है सर्वाइव करने के लिए, ना खाना है, हमें खाना भी खुद अरेंज करना है, अपना बचाव भी खुद करना है जानवरों से या कोई भी चीज़ हमें मिलती है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग गेम होने वाला है, तो चलते हैं भाई गेम की तरफ और देखते हैं क्या होता है। ऑल राइट फ्रेंड्स, तो भाई गेम हमारा स्टार्ट हो चुका है और लास्ट टाइम हम यहाँ से कहीं से भागते हुए आए थे और यहाँ आके गिर गए थे, बहुत बुरी तरीके से गिरे थे वैसे तो। तो अभी इस टाइम पर जो इसकी वाइफ है वो भी खो चुकी है, हमें उसको भी ढूंढना है और अपना भी मतलब बचाव करना है यहाँ पर। और यहाँ पर बचाव करना कोई आसान काम नहीं है भाई, क्योंकि ये अमेज़न का जंगल है और पूरा मतलब देख रहे हो ना, खूबसूरत बहुत ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पर हर तरह के कीड़े मकोड़े और एक्स वाई जेड सब जानवर है भाई। तो हमें बहुत मुश्किल हो जाएगी यहाँ पर बचाव करना, लेकिन हमें ऐसा करना है। वाटर ओके, लॉन्ग लीव्स आइडिया फॉर क्राफ्टिंग बैंडेजेस। और ये क्या है, बैंडेज रोप हार्वेस्ट लियाना फ्रॉम ट्रीज। ओके, फाइंड हेल्प। भाई हमें हेल्प तलाश करनी है यार, ऐसी जगह पर हमारी कौन ही हेल्प करेगा। मेरे पास एक स्मार्ट वॉच है, ये एक वाहिद गैजेट है जो कि हमारे पास है, मतलब सिर्फ हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, अदरवाइज हमारे पास कोई और चीज़ नहीं है। तो फ्राइडे है 16 दिसंबर, मैं एक्सपेक्ट कर लूँ कि हमें कहीं लगी तो नहीं है, क्योंकि हम बहुत बुरी तरह से गिरे थे भाई भागते हुए। ऑलराइट, तो भाई हम तो ठीक हैं, कहीं लगी वगी तो नहीं है। खैर बाकी देखते हैं क्या होता है। हेल्प यार, हेल्प कहाँ फाइंड करेंगे, ऐसे जंगल के अंदर हमें हेल्प मिल ही ना जाए। भाई पानी कितना साफ है यार, उस तरफ जाके देखते हैं, देखते हैं क्या है। यार यहाँ पर पेड़ पौधे इतने हैं ना कि जमीन पे कोई चीज़ भी हो तो नजर नहीं आती, कोई सांप वाँप बिच्छू वगैरह ने काट लिया ना भाई, ऐसी कैसी हुई है। तुम्हारे पास कुछ चीजें ऐड हो गई हैं वैसे, मतलब सरवाइव करने में जो कि हमारे काम आने वाली, मैंने अभी देखी हैं। तो इसके अंदर हमें ये क्या चीज़ें यार, फ्रेम, ट्रायंगुलर फ्रेम, ये शायद खाना वगैरह बनाने के लिए, अच्छी सुख, बेलकनी, शेड फ्रेम, ये मेरे ख्याल से कुछ ऐसी चीज़ें जो कि हमारे मतलब शेड वगैरह घर वगैरह बनाने में काम आएंगी, और कुछ खाना वगैरह बनाने में भी शायद। आगे जाके हमें बहुत कुछ बनाना है भाई, ऐसे काफ़ी मज़ा आने वाला है, लेकिन थोड़ी सी मुश्किलात भी होने वाली हैं। चल भाई चल भाई, कैसी आवाज़ आ रही है मक्खियों की। नोटबुक की एंट्री, ऑलराइट, स्मॉल प्लांट बॉक्स, 4 स्टिक्स, 4 प्लांट्स, इसका क्या करेंगे भाई हम लोग। खैर एंट्री आई है तो उसका मतलब भी बनाना है।
तो हमें चलना चाहिए मेरे ख्याल से कोई खुली जगह देखते हैं जहाँ पर इसको बनाया, वही जगह अच्छी थी मेरे ख्याल से जहाँ हम गिरे पड़े थे ना। ये जगह मेरे ख्याल से बेहतर है। ठीक है भाई, ये खाली जगह है तो मैं देख लेता हूँ मुझे क्या क्या चाहिए। स्मॉल प्लांटिंग प्लांटिंग बॉक्स और लार्ज प्लांटिंग बॉक्स, हम इसमें से कौन सा बनाए? मेरे ख्याल से लॉग स्टिक, बड़ा वाले बना लेते हैं शायद। भाई साहब, दैट्स इट भाई, हमें चाहिए 4 स्टिक और 4 लॉग। तो पहले तो हमें चाहिए स्टिक, तो हम स्टिक जमा करते हैं। अपने पास कुछ है क्या? भाई अपने पास कुछ भी नहीं है, स्टिक्स कहाँ से लाऊं मैं फिर? अंधेरा भी हो रहा है यार, तो बारिश इतनी होती ना यहाँ पर, खौफनाक से मंजर हो जाता है। अब मैं स्टिक कैसे तोड़ूंगा? अबे यार ये गलत है, मुझे लगा वो अपने पास जो थी ना, एक पिछला एपिसोड जिन्होंने देखा उनको पता होगा कि हमारे पास एक वो थी, तलवार टाइप की चीज़ थी, पता नहीं क्या कहते हैं उसको, तो उससे हम दरख्त वगैरह काट के मतलब लकड़ियाँ इकट्ठा कर लेते थे। मुझे लगा हमारे पास वो तो होगी कम से कम। भाई हाथों से तो उसने कुछ करना नहीं है मुझे लग रहा है। चल यार इसे तो तोड़ ले, इतना नाजुक सा पतला दुबला सा दरख्त है। अरे भाई ये गलत हो यार, ये बहुत गलत। अबे भाई स्टिक मिली, ऐसी मुझे लग रहा मंगतो की तरह स्टिक ढूंढनी पड़ेगी भैया। यहाँ कुछ है? स्मॉल स्टिक, ओके काम है ये भी। स्टैंड स्मॉल स्टिक्स, 2 रोप 4 स्टिक। ओके तो हम भाई अपना मतलब पूरा ना अभी यहाँ पर वो बनाने वाले हैं कुछ रहने के लिए ना, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि हमारे पास जिस तरह की इंट्रीज आ रही है ना, तो ये हमें सब कुछ बता रहा है कि अभी हमें मतलब अपनी स्टिक्स को स्टोर कैसे करना है और पता नहीं क्या क्या, मतलब सब कुछ। मेरे ख्याल से हम कुछ शेड वगैरह बना के स्टे करने वाले हैं यहाँ पर, ऐसे तो खैर स्टे कर भी नहीं सकते। पर मशरूम्स ले लेते हैं, क्या पता काम आ जाए। एक इंट्री, न्यू इंट्री आई है भैया, मॉलिनेरिया। हाँ भाई अंधेरा कितना होता जा रहा है, टोबैको। लीफ एंड एंटी वेनम प्रॉपर्टीज, ओके। भाई ये टोबैको लीव्स हैं पर्पल फ्लावर वाले, तो ये हमें मिले ना, हमें ये भी कलेक्ट करने। इससे ये कि अगर हमें कोई सांप वगैरह काट लेते हैं ना, तो उसमें हमारे ये काम आ सकते हैं, नॉर्मल बैंडेज इसमें काम नहीं आएगी। फिलहाल तो भाई स्टिक चाहिए और स्टिक मिल नहीं रही है क्योंकि हम उसको तोड़ तो सकते नहीं है। ऑल राइट, तो भाई काफ़ी देर से मैं यहाँ पर ढूंढ रहा हूँ कि मुझे कोई लकड़ियाँ शकड़ियाँ मिल जाए, मतलब स्टिक्स वगैरह, लेकिन भाई कुछ मिलने का नाम ही नहीं ले रहा है। ढूंढ ढूंढ के थक गया यार, ये ऐसा डंडा भी नहीं तोड़ सकता है, कैसा मुर्दार आदमी है यार। तो भाई तोड़ इसको क्या यार, मैं देखूँ मैं कुछ बना नहीं सकती क्या? हैंड ड्रिल बना सकते हैं हार्वेस्ट यार कोई। हाँ ओके, मेरे ख्याल से फिस्ट एक्स इंक्रीज डैमेज रिड्यूस। भाई कैसे बनाते हैं, इसका तरीका तो बताओ। अच्छा ये कुछ है मेरे ख्याल में? नहीं यार, यार मुझे ये इंक्रीज डैमेज रिड्यूस स्टेमिना यूज किया। भाई तरीका कैसे, इसका कैसे बनेगी ये? काफी सारी चीजें जो कि बन सकती है, लेकिन कैसे बनेंगी ये नहीं बताया बस। अबे भाई स्टिक, अबे स्मॉल स्टिक्स क्यों मिल रहे हैं? चलो भाई मिल जाओ, तुम ही मिल जाओगी, कहीं तो काम आओगी तुम भी। हाँ ग्रिगेट घूम रहे भाई, ग्रिगेट में कोई सांप निकल गया ना बीच में। ओके भैया केव मिल गया अपने को, ठीक है यहाँ मेरे ख्याल से हम स्टे कर सकते हैं। तो मैं काम करने लगा हूँ कि पहले तो भाई इसको कलेक्ट करें, लियानों को ये हमारे रोप बन जाइए, मतलब रस्सी बन जाइए ना, तो हमारे काम आएगी काफ़ी ज़्यादा। शेड वगैरह बनाने में भी शायद काम आए और काफ़ी सारी जगहों पे काम आ सकती है।
तो और है क्या? नहीं बस दो ही है मेरा ख्याल, न्यू एंट्री आई है क्या? लॉन्ग स्टिक रॉक रेस्टेंट रोप्स। यार हम सारी चीज़ों को ना यहाँ पर जमा कर सकते हैं, मतलब ये जैसे स्टैंड बना के हम इस पर लकड़ियाँ रख सकते हैं, इस पर रोप्स टांग सकते हैं, लेकिन यार हमें यहाँ पर रहना थोड़ी है भाई, हमें थोड़ी देर स्टे करना है मेरे ख्याल शायद। तो फिर हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? मेरे ख्याल से कैब रहने के लिए सही है, अगर मैं यहाँ पर चीज़ें लगाऊँ। मैं चलता हूँ अपना, वो उठाते हैं वहाँ से जो भी था, वो क्या था पता नहीं, भूल गया मैं। तो भाई ये लाइट कहाँ से आ रही है? अच्छा शाम हो रही है, सूरज की रोशनी है, बड़ी प्यारी लग रही है। भाई एक और स्टिक मिली। अबे कैसा स्टिक्स के पीछे ख्वार करके रख दिया है, एक दरख्त तोड़ लेता ना हिम्मत करके तो इतना मसला नहीं होता है। खैर इतना आसान भी नहीं होता जितना मैं बोल रहा हूँ, लेकिन बोलने में क्या जाता है। एनीवे भाई स्मॉल स्टिक्स तो बहुत ज़्यादा मिल गई हैं, और इसकी जगह भी ना हमारे पास मतलब कंप्लीट हो गई है स्मॉल स्टिक्स की, लेकिन हमें चाहिए इससे बड़ी वाली। यार अगर हम एक एक्स बना सकते हैं ना कुल्हाड़ी, तो हमारा काम बहुत आसान हो जाता, बहुत ज़्यादा। लेकिन अफसोस ऐसा हो नहीं सकता, मैं फ़िलहाल भाई इसको यहाँ से हटाने लगा हूँ। ठीक है, और ऊपर जाऊंगा दोबारा से। अबे नज़र भी नहीं आ रहा कुछ, इतना अंधेरा हो गया, कंधा करके खिलाओगे? हाँ मेरे ख्याल से इसी तरफ था, यहाँ तक मुझे याद आ रहा है भाई कैब था तो यहीं पर। अबे कहाँ चला गया? तो करीब से स्क्रीन को देखना पड़ रहा है बहुत ज़्यादा, और करके को मैं आ कर देता हूँ ड्रॉप। और यार मेरे ख्याल से ना मुझे कुछ बनाना चाहिए भाई सोने के लिए, अगर मेरे पास कुछ हो। स्मॉल शेल्टर, लॉन्ग स्टिक, स्टिक लॉन्ग स्टिक रोप पाम लीफ। स्मॉल शेल्टर, यार ये इन्होंने चीज़ें दे दी, मिलेंगी कहाँ से चीज़ें, ये भी तो एक मसला है ना। भाई बड़ी परेशानी हो गई है, मैं फिलहाल कैब में ही सो गया हूँ भाई। ठीक है, और गाइस अभी तो रात को ही उठेगा मेरे ख्याल। है फायदा क्या हुआ है सोने का? रात को सो के शाम को सो के रात को उठ गए। मैं सोया सही था, मैंने कहा सुबह उठूंगा तो कुछ नजर आएगा, इतना अंधेरा हो रहा है। सैनिटी, कंज्यूमिंग एन आइटम विद अ नेचुरल एंटी स्ट्रेस कंपोनेंट गिव्स सैनिटी, कंफर्टेबल स्लीप इंक्रीज सैनिटी। ओके मेरे ख्याल से हमारे साथ कोई इशू है। ठीक है यार, मैं पानी की भी ज़रूरत है इस टाइम, और पता नहीं खाने वाने की भी ज़रूरत है शायद, लेकिन मैं दोबारा से सोच रहा हूँ यार सो जाते हैं, ये हमें सुबह होने तक का वेट करना चाहिए। अभी हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे, नज़र क्योंकि सही से आ नहीं रहा है। ये 5 बज गए मेरे ख्याल से, अब कुछ बेहतर मौसम है भाई, कुछ नहीं बहुत बेहतर है। सुबह सुबह 5 बजे से उठ गया क्योंकि नींद तो हमारी वैसे भी पूरी ही थी। ठीक है, मेरे पास कुछ खाने के लिए है क्या? अपने पास स्मॉल स्टिक्स हैं, नॉर्मल स्टिक्स 2 हैं, स्मॉल स्टिक 10 हैं, 2 रोप हैं, यह इतना कुछ खास नहीं है। हाँ इसको खा सकते हैं या नहीं? ओ नाइस, तो अच्छा है भाई अपने लिए। मेरे ख्याल से मैं इसको भी खा लेता हूँ जो रखा हुआ है। मेरे ख्याल से हमारी बॉडी में कोई इश्यू चल रहा है भाई। अब भाई ये क्या है?
अबे यार भाई अजीब सा कुछ जख्म हो गया अपने। हम ओए होए होए, ये तो यहाँ पर भी तो भाई चारों मतलब हाथ पांव सब कुछ नहीं बख्शा। हाँ मेरे ख्याल से हमें मोलिनियर चाहिए होगा अभी। स्क्रैच एब्रेजन इफेक्ट्स दिस कंडीशन, इफ यू अनट्रीटेड इट विल बिकम इन्फेक्टेड, नो ट्रीटमेंट ड्रेसिंग कवर अप द वाउंड अलाउंग इट इन्फेक्शन और ड्रेसिंग कंबाइंड विद द स्पीड अप द हीलिंग प्रोसेस। भाई मोलिनियर चाहिए इस टाइम पर ना अपने को, बैंडेज बनानी होगी। मैं पहले पानी पीकर आ जाता हूँ थोड़ा सा, अगर ये साफ है तो। पहले तो ये देखना पड़ेगा कि ये साफ है या नहीं है भाई। अनसेफ, Disgusting. Ugh. हाय हाय गंदा पानी पिला दिया भाई। खैर है चलो, जिंदा रहने के लिए इतना तो करना पड़ता है ना। वो बनाना भाई, दरख्त पे चीजें मिल रही हैं, कुदरती फायदे मिल रहे हैं, इससे अच्छी तो और क्या ही बात होगी। अभी भाई हमें ढूंढना है मोलिनियर। हाँ पता नहीं कब मिलेगा यार, ये ढूंढने वाली चीज़ इतनी बुरी लगती है ना कि बस क्या बोले बंदा। अब इतने सारे पौधे, इनमें एक पे नज़र रखो भाई। एक पे येलो फ्लावर वाला प्लांट होगा एक जो कि हमें चाहिए। हाँ ये मेरे ख्याल से मशरूम्स हैं भाई, ये अच्छे मशरूम्स हैं येलो वाले, इससे हमें फ़ायदा होता है। वैसे हमें कोई भी चीज़ सोच समझ कर ही खानी चाहिए यहाँ पर। भाई ये मैप है क्या हमारे पास? कोई नहीं भाई, हमारे पास कोई मैप नहीं है। चलो कोई बात नहीं, फिलहाल भाई मोलिनियर ढूंढना है, वरना तो ये जो जख्म है ना ये बढ़ के इन्फेक्शन कर सकता है हमें। तो इन्फेक्शन में फिर हमें और ज़्यादा परेशानी हो जाएगी, तो बेहतर यही है कि भाई जल्दी से उस प्लांट को ढूंढा जाए और ड्रेसिंग की जाए इसकी। अरे नहीं ये नहीं है, रोप मिल गई है। जो चीज़ें मिल रही ना इस टाइम पे लेना हमारे लिए ज़रूरी है बस, चाहे वो लकड़ियाँ हो चाहे पत्थर हो चाहे रोप हो, क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो मुश्किल में पड़ सकते हैं, क्योंकि हमें किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ सकती है इस टाइम पर। अपने पास काफ़ी सारी चीज़ें ना अभी है ही नहीं, बस काफ़ी सारी क्या, कुछ भी नहीं है। जब भी तो मैं हर चीज़ उठाता फिर रहा हूँ, कचरा उठाने वाला बना हुआ, जो मिल जाए उठा लो भाई। अबे भाई मुझे लग रहा है हमारा जख्म बढ़ता जा रहा है। नहीं 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 बचा तेरी। हाँ भाई स्टिक मिल गई एक, और स्मॉल स्टिक नहीं है अपने पास जगह स्मॉल स्टिक से। भाई मॉलिनियर नजर नहीं आ रहा, वैसे नजर आते रहते हैं, जब जरूरत होती है तो कोई चीज मिलती नहीं है। रियल लाइफ का भी ऐसा ही हिसाब है, अभी गेम में भी ऐसा ही होंगे। हाँ, मेरे ख्याल से मुझे वहाँ जाके देखना चाहिए। तो बैको लीफ, यार मैं चाह रहा हूँ अगर यहीं से मिल जाए ना तो अच्छा हो जाएगा। किसानों में वहां जाऊँ और फिर खो जाऊँ। अभी यहाँ पर केव है ना, तो केव में हम ये के स्टे कर सकते हैं और वहाँ अपनी चीज़ें वगैरह भी जमा कर सकते हैं जो भी हमें करनी है ना, एक रहने के काबिल उसको कर सकते हैं। अदरवाइज अगर हम कहीं और जाएंगे तो हमें ए टू जेड खुद करना पड़ेगा सब। यार मोलिनियर का प्लांट वैसे नज़र आता रहता है एनी टाइम, इधर उधर पड़ा हुआ कहीं ना कहीं, मतलब पड़ा हुआ तो नहीं खैर उगा हुआ। अभी चाहिए तो फिर मिल ही नहीं रहा है भाई। तुम आ जाओ यार, कहीं भी हमारे बहुत काम आएगी शेल्टर शेड बनाने में ना, रस्सी क्योंकि इसी से बनेगी, और रस्सी की जाहिर सी बात है शेल्टर या शेड में ज़रूरत पड़ेगी। अपने बैकपैक में स्पेस नहीं है, चीज़ें काफ़ी सारी जमा होती जा रही है भाई, जो कि अच्छी चीज़ है। अपने पास स्मॉल स्टिक रखने की भी जगह नहीं है, हर आइटम की एक लिमिटेड जगह है भाई बैग में।
यार ये मॉली ने नहीं मिलना, मुझे लग रहा है हम ना इसी मर जाएंगे यार। एक तो ना प्लांट इतने इस जंगल है, जाहिर सी बात है, तो प्लांट इतने ज़्यादा है ना कि किसी एक मखसूस प्लांट को ढूंढना ना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। सारे प्रजाति पर प्लांट होते भी ग्रीन कलर के हैं, ऐसा तो नहीं कि हर प्लांट का अलग से कलर है। अब ये फूल देख देख के भाई मैं कहाँ से कहाँ आ जाता हूँ यार। यार फिर बारिश हो गई भाई, यहाँ 24 घंटे बारिश ही होती रहती है क्या भाई? मैं देख लूँ पहले मैं किस तरफ जा रहा हूँ। वेस्ट यार बहुत मुश्किल हो गई है अभी फिलहाल ना, अपने को जो चीज़ें चाहिए वो क्योंकि मिल रही नहीं है। फारेस्ट आना फ्रॉम ट्रीज, मैं भाई रोप बना लेता हूँ, काम आ जाएंगी, ये बना के रख लेता हूँ राफ्ट। हाँ मेरे ख्याल से मैं सारी लगानी क्या? ओके तो भाई ये हमें बनानी नहीं है रोप, ये रोप ही है रस्सी के तौर पे काम करेगी ऐसी। मैं पागल हो गया हूँ यार, और ये क्या है नॉन फ्लावर मशरूम्स बनाना। अभी हमारे पास मेरे ख्याल से इतनी ज़्यादा ज़रूरत तो नहीं है खाने की, भूख लग रही है या? पानी भाई चाहिए होगा यार ये। अबे भाई क्राफ्ट, मैं इसके साथ लकड़ी रख के देखूं क्या? स्टिक एंड रोप। अबे भाई काम बन गया क्या? क्या बना है? आहा काम बन गया भैया, काम बन गया। बहुत अच्छी नहीं है लेकिन भाई इस टाइम पे बेस्ट है। मैं इतनी देर से सोच रहा था करें भी तो क्या करें यार, लेकिन भाई भी अपने को ना ये मोलिनियर चाहिए होगा यार। फिलहाल भैया कुछ बना लेते हैं यार रहने के लिए, शेल्टर वगैरह ना हमें चाहिए। यार ये वाला शेल्टर बना दे, मेरे ख्याल से इसके अंदर चीज़ें ना कम है। दो हमें चाहिए लॉग, 8 चाहिए लॉग स्टिक, 9 रोप, 26 पाम लीफ। कोशिश करते हैं भाई जमा करने की। फिर शेल्टर की वैसे ज़रूरत क्या है? हम केव में हैं तो मेरा नहीं ख्याल है हमें यहाँ कोई नुकसान होना चाहिए। बाकी भाई समझ ही नहीं आ रही क्या करें। डोर लेडर भाई, मेरे ख्याल से हमें ये डोर बनाना चाहिए इधर। ना नहीं बनेगा भाई ये तो पूरा, हमें तो पूरा बनाना था, ये क्या हो गया? अच्छा, समझा। एक एक करके चीज़ें बनेंगी भाई ये पूरी। पहले बनेगा सिर्फ फ्रेम शायद, नहीं पहले, हाँ पहले फ्रेम बनेगा, चलिए ये फ्रेम फ्रेम बनेगा, इसके ऊपर फिर ये सब बनेगा। ओके भैया क्या है बन क्यों नहीं रहा है तू? यार जब ये बनाना है तो नीचे नहीं जाके बनाया फिर कोने में घुसने की क्या ज़रूरत है? जो अपना अलीहदा से घर बनाना ही है तो बंदा ऐसी जगह बनाए जहाँ आसानी हो सकता है। ये बनाने के बाद हमें ये जो कीड़े मकोड़ों ने काटे ये वाला इशू भी ख़त्म हो जाए शायद से, कंफर्म तो खैर नहीं कह सकते लेकिन हाँ शायद। सही भाई, तो अभी हमें क्या करना है? लॉक, और ये क्या है?
अच्छा अभी फिलहाल लॉक चाहिए तो भाई नारियल के दरख्त हैं, इसमें नारियल वारी नहीं लगे हुए? पत्थर है क्या कोई? नजर तो नहीं आ रहे यार, पत्थर वत्थर मिल जाएगा तो मार के चेक कर लें। प्लास्टिक मिली कलेक्ट करो, 10 काटते हैं भाई। हमारी एक्स काम कर जाएगी, कितनी मजबूती लग ही नहीं रही भाई। ऑलराइट तो भाई गिर गया दरख्त, ये एक लॉग आ गया, ये एक और लॉग आ गया भैया। स्टिक अभी नहीं उठा सकते, लॉन्ग स्टिक भी है यहाँ तो भाई, स्टिक बहुत सारी हैं। ये वाले किनारे याद कर लेते हैं, वापस आते हैं यहाँ पर। अभी जल्दी भागे, सुस्ती इतनी भरी हुई है आए जंगल में। ये भाई एक लगाया इधर, जबरदस्त अच्छा अच्छा सा लग रहा है थोड़ा सा भाई। काफी देर की मेहनत के बाद तो समझ आया क्या करना है। मेरे ख्याल से मुझे बाकी चीजें भी ना उठा के लेके जानी चाहिए भाई। स्टिक ये सब चीज़ हमारे काम आने वाली है, मुझे उम्मीद है कि अगर हम उठाएंगे ना तो अच्छा ही होगा। स्टैंड लॉग स्टिक, अबे नहीं करनी हमें जमा यार, नहीं करनी। क्या है चीज़ों को जमा करने के तरीके दिए जा रहे हैं, अबे रहना थोड़ी है यहाँ पर, आरजी रहना है बस, आरजी। सही, इसको यहाँ मैं इसलिए रख रहा हूँ चीज़ों को, ताकि अगर हमें ज़रूरत पड़े ना भाई तो इधर उधर ख्वार नहीं होना पड़े, यहीं से उठा लेंगे। ये हमारी एक्स मेरा नहीं ख्याल कि बहुत ज़्यादा मजबूत है, बस हाँ काम चला हुए, काम चला रही चलने तो इसलिए जो चीज़ें टूटी फूटी पहले से मिल रही ना उनको ऐसा ही रहने दो तो ज़्यादा अच्छा है। अगर चलना अच्छा हो गया, ज़बरदस्त भाई। एक लॉग ये मिला, एक लॉग ये मिला भाई, चार लॉग चाहिए था अपने पास होगा। बे भाई मुझे आ रहा हूँ बेटा, वापस आ रहा हूँ। कोकोनट, हाँ लग जा भाई। ऑल राइट तो भाई लॉन्ग स्टिक चाहिए, देखा काम आ गई ना भाई, देखा तजुर्बा ही काफ़ी है। एक लॉन्ग स्टिक लग गई, तीन और चाहिए। पहले कोकोनट देखें कहाँ चला गया वो, वह कौन ले गया ये रहा। आ हा हा हा, तो क्या बैग में नहीं रखता क्या? नहीं भाई क्या करूं इसका, खाए इसको भाई। एक सेकेंड, आए है अब आया ना। वाटर की कमी थी मेरे ख्याल से हमारे बॉडी में, थोड़ी सी कमी है वैसे तो। कोकोनट न्यूट्री आई है भैया, अच्छा ट्रैप भी बना सकते हैं हम लोग। ये रहा कोकोनट रोप, ठीक है चीज है यार। कोकोनट बैडन, ट्राई करना पड़ेगा भाई, कुछ बन रहा है मुझे लग रहा है। कोकोनट और रोप को मिला करना ऐसा लगता तो है। क्राफ्ट रो एंड क्राफ्ट, लेट्स सी। अबे भाई ये क्या हो गया? अच्छा इसके अंदर हम पानी भर सकते हैं शायद, हाँ समझ गया भाई। इसके अंदर हम पानी भर के रख सकते हैं, लेकिन इसके अंदर का जो पानी था ना वो मुझे पी लेना चाहिए था, मैंने पिया नहीं ना तो वो ज़ाया हो गया भाई। हार्वेस्ट पत्थर भाई उठा के रख लिया, काम आएगा अपने। स्टून ब्लेड की एंट्री आई है भैया। ओ भाई
स्टून, दो स्टून को मिलाएंगे तो स्टून ब्लेड बन जाएगा, ये भी अच्छा है। ऐसे ऐसे में काफ़ी सारी चीज़ें बनानी है कि मेरा ख्याल भाई। ये दो स्टून रखे, स्टून ब्लेड तैयार है, स्टोन एक्स। मेरे ख्याल से ये ब्लेड हमारा थोड़ा ज़्यादा अच्छा हुआ। ओ भाई साहब, अभी हमें ये एक अच्छी वाली कुल्हाड़ी बनाने सिखा रहा है, मतलब जो हमने बनाई है उससे शायद ये थोड़ी सी अच्छी हो, क्योंकि इसके अंदर ही थोड़ा सा बेहतर वाला पत्थर लगेगा ना। तो बना लेते हैं यार, रख लेते हैं बनाकर, ठीक है। भाई क्राफ्ट आप आ जाएं। अच्छा रोप रोप लगानी है, ओके डन। स्टोन पिकेक्स, भाई एक और चीज़ बना सकते हैं क्या? स्टिक, स्टोन ब्लेड एंड रोप। अबे यही तो बनाया हमने, और क्या बनाया अभी हमने? स्टोन ना, सही हमने सही बनाया भाई, जो भी बनाया है हम गलत कहा। अबे भाई कैसा खतरनाक है ये तो। खैर बातें बहुत सारी हो गई, काम पे लगते हैं ज़रा सा। लॉन्ग स्टिक चाहिए थी, ये आ गई सबसे पहले तो ये। अब एक और भी यहाँ तो, ये ले भाई ये लो, एक और चाहिए। तुम्हारा कम से कम फ्रेम मुकम्मल हो जाएगा, अभी काम ये बहुत लंबा है भाई, आज ही नहीं होने वाला मुझे लग रहा है। आज भी हमें केव में सोना पड़ेगा, और मोलिनियर की अगर लीफ नहीं मिले ना तो ऐसे हमने मर जाना है। तो मारूँ क्या? हाँ थोड़ा दुबला पतला सा है ना, थोड़ी मेहनत कम लगेगी इस पे। चल भाई लॉन्ग स्टिक एक तो देगा ही। फ्रेम भैया मुकम्मल हो चुका है फाइनली अपना, ठीक है। अब हमें इसके आगे के प्रोसेस पे नहीं जाना, बल्कि अभी रोप लगानी है भाई। फ्रेम ना मजबूती के साथ तैयार हो गया है, फ्रेम क्रिएटेड, ओके। देन अब हमें क्या करना है? अभी इसको कंप्लीट करना है भाई, बहुत टाइम लगेगा। मैं एक ही दफ़ा इसलिए मेहनत कर रहा हूँ, फिर ये कि हम यहीं रुकने की कोशिश करेंगे थोड़ा, इसके अलावा मेरा कोई चारा नहीं है। ओके भाई, मेरे ख्याल से ये वाली छत ज़्यादा बेहतर है। राइट, छत बनानी भाई, पहले लगेगी लॉन्ग स्टिक। लॉन्ग स्टिक ओके, चार लॉन्ग स्टिक चाहिए हमें। अभी तेरा मसला नहीं, हमारे पास दो एक्स हैं, तो अगर एक ख़राब हो भी गई तो दूसरी है, और अगर दूसरी भी ख़राब हो गई तो बना लेंगे, क्या मसला है। ये स्टिक्स भाई कलेक्ट कर लूँ, बाद में मिलती ही नहीं, अभी मिल गई तो उठा लो बस। एक लॉन्ग स्टिक हमारी यहाँ से निकलेगी, तीन फिर हमारी रह जाएंगी। चल भाई जल्दी आ जा, ठीक है। अच्छा एक और दो, दो लॉन्ग स्टिक मिल गई हमें पतले वाले दरख्त में से। भाई ये भी सही है, मुझे लगा था पतला सा एक ही मिलेगी, लेकिन ठीक है बुरा नहीं है। एक आ गई इधर, एक आ गई इधर। भाई यार अपन ना थोड़े से कमज़ोर हो रहे हैं, मुझे लग रहा है खाना वाना खा लेना चाहिए। और ये भी खा लेना चाहिए मेरे ख्याल में थोड़ा, तो शायद हम थोड़ा सा बेहतर महसूस कर रहे हैं शायद। बाकी अगर वो कोकोनट वगैरह अपन मिल जाता है ना, तो भाई कोकोनट वो रहे, ये मेरे पास स्टोन था मेरे ख्याल कोई ना, मैं देखता हूँ अपने पास चेक करता हूँ। ये रहा, क्राफ्ट पिस्तौल, भाई स्टोन ब्लेड बन गया है। अब मुझे ये नहीं पता मैं इसको यूज कर पाऊंगा या नहीं। पत्थर है ना, फेंक कर लिया। अबे फेंक के नहीं मार सकता इसको मैं, यार मुझे इस वाले दरख्त को अगर मैं गिराऊं तो क्या ये गिर सकता है?
अबे भाई गिरेगा ये भी मेरे ख्याल, इससे मुझे कोकोनट मिल जाएंगे यार ये, और लकड़ियां भी मिल जाएंगी, तो हमारा दोनों तरफ से फायदा है अगर तो ये गिर जाए। उम्मीद तो कम लग रही है लेकिन हाँ, गिरेगा गिरेगा भाई। अबे भाई, अबे भाई साहब, ईद हो गई अब तो। अबे नारियल कहाँ चले गए भाई, नारियल कहाँ चले गए? अबे मैंने नारियल कहाँ चले गए? अबे ये रहा भाई, एक और ये रहा। हाँ जस्ट अ मिनट, मैं इसको तोड़ लेता हूँ। अबे भाई तोड़ना, कैसा बंदा यार ये गया। नाउ आई टेक इट। ओके भाई लकड़ियाँ भी थी यहाँ पर, अभी ना लॉन्ग स्टिक चाहिए हमें थोड़ी सी। ये एक आ गई लॉन्ग स्टिक, ये दूसरी भी आ गई। चल भाई, और यहाँ कुछ और भी था मेरे ख्याल, पाम लीफ है भाई यहाँ पर, और क्या चीज़ है, और कोई चीज़ थी क्या? चलो भाई खैर, अभी हम इसको लगा देते हैं और इतना काम हमारा कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर हमें लगानी है रोप, रोप अपने पास काफ़ी सारी थी लेकिन अब मेरे ख्याल से ख़त्म हो जाएगी, तो हमें उसका भी इंतज़ाम करना होगा भाई। हाँ बोलने की देर थी और ख़त्म हो भी गई। खैर रोप का मेरा नहीं ख्याल इतना इशू होने वाला है, हम कहीं ना कहीं से ढूंढ ही लेंगे यार। एक तो ये हाँपने लग जाता है फ़ौरन से ना। अबे ये यार भाई एक, अबे बस एक, अच्छा बाकी मैंने पहले कलेक्ट कर लिया लग रहा है। खैर इसको जाके लगाते हैं पहले, बाकी फिर देखते हैं बाद में क्या होता है। भाई मुझे लग रहा है हमें कमज़ोरी हो गई है काफ़ी ज़्यादा, मुझे पानी भी पी लेना चाहिए थोड़ा। ड्रिंक, ओके आई थिंक अब कुछ बेहतरी है शायद। यू आर गेटिंग वीकर टू रिस्टोर, यूज बेड और प्रेस सी टू सेलेक्ट स्लीप, टू स्लीप ऑन द ग्राउंड। ओके भाई लॉग, तीन लॉग चाहिए, अभी अरेंज कर लेते हैं। अबे भाई अंधेरा कितना हो गया ये यार, जंगल में भाई बहुत अंधेरा होता है यार। ये रहा एक लॉग, ये रहा एक ही प्लांक है भाई ये तो। चलो खैर मैं जाऊं जरा, क्या चाहिए था, लॉग ही चाहिए था ना, दो लोग और चाहिए। यानी पतले वाला दरख्त अगर मैं गिरा दूं अपना काम बन जाएगा यार। अभी ना आग लगाने के लिए हम वो तो बना सकते हैं टॉर्च, लेकिन आग लगाएंगे किस चीज़ से, वैसा भी कुछ नहीं हमारे पास। एनर्जी डाउन हो रही है अपनी ना, लेकिन मैं भी सोना नहीं चाह रहा। अबे भाई खैर, एक और एक्स थी अपने पास, पूरी मेरे खासा ज़्यादा बेहतर हुई। अबे ये क्या तोड़ रहा था मैं, इतनी छोटी सी स्टिक मिली, इसका मैं क्या अचार डालूँ? ये वाला मेरा ख्याल अच्छा है। चल बैठ टूट जल्दी जल्दी, अच्छे वाला ब्लेड इस्तेमाल कर रहे हम। मैं अपना बंदा ना बुरी तरह से थक चुका है, मैं चाह रहा हूँ बस छत बन जाए तो फिर हम सोने की तैयारी कर रहे हैं। हाँ ना यार, फिर ये लंबा काम चलेगा क्योंकि अबे भाई थोड़ी सी मेहनत कर ले चलना। हाँ मेरा ख्याल अपना काम हो गया। हाँ भाई अपना काम हो गया, भाग 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 भाग। पता है भाई तुझे रेस्ट चाहिए, दो मिनट सबर कर जा। घर बना रहे भाई तेरे लिए घर। ओके भाई गेम सेव कर लेते हैं अपना, ठीक है। अब यहाँ पर शायद से मैं सो सकता हूँ, लेकिन यार ये हम जमीन पे नहीं बिछा सकते क्या कुछ? यार ज़मीन के लिए भी कुछ होना चाहिए, अभी इसको कैसे सुलाऊं मैं? फ्लोटिंग फ्रेम,
भाई बारिश हो रही है खतरनाक। मैं सोच रहा हूँ मैं सो जाना चाहिए, लेकिन यार ऐसे कैसे सोए। मेरे ख्याल से मैं सो जाना चाहिए भी। हाँ तो गाइज अभी के लिए इतना ही। आई होप कि आपने वीडियो एंजॉय की होगी और आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना। वीडियो शायद थोड़ी सी लंबी हो गई तो इसलिए ही मैं यहाँ पर ख़त्म कर रहा हूँ। तो हम आगे यहीं से कंटिन्यू करेंगे, इस घर को कंप्लीट करेंगे और आगे देखेंगे इस गेम में क्या होता है। अभी तक हमें काफ़ी सारी अच्छी अच्छी चीज़ें समझ आने लगी हैं। गेम मज़ीद इंटरेस्टिंग होता जाएगा, तो जुड़े रहें वीडियोज़ के साथ और बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि आपको नोटिफिकेशन आते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।